नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारा दोस्तों क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें दोस्तों हम काफ़ी तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं और दोस्तों ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कुछ भी दोस्तों आप उसका यूज़ कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आप चाहो तो उसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कार्ड से सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कर सको, बाकी दोस्तों उससे कुछ भी ट्रांजेक्शन ना हो, जैसे दोस्तों बिल पेमेंट होता है या दोस्तों आप ATM से पैसे निकालते हो, ऐसा कुछ भी ना हो, तो आप उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। यानी दोस्तों आप अपने मुताबिक उस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। बाई चांस दोस्तों अगर आपका कार्ड कहीं पर गिर जाता है, खो जाता है, तो कोई भी दोस्तों उसका मिसयूज ना कर सके। तो आपको दोस्तों ये कार्ड कैसे कंट्रोल करना है, कैसे दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हो, जिस सब मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन जो होती है उसको ओपन करना है, क्योंकि इसी से दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए नीचे ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड का, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड पर क्लिक यहाँ पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जिनमें दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देख सकते हो, अपना क्रेडिट कार्ड का ओवरव्यू देख सकते हो, आपने क्या क्या क्रेडिट कार्ड से परचेस किया है, कितनी हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ से देख सकते हो। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे जाना है क्रेडिट कार्ड सर्विस रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है दूसरे नंबर पर कार्ड कंट्रोल, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने का दोस्तों देखिए यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मेरा यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, तो मैं इसी से ओपन करता हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा ये देखिए हमारा जो कार्ड है क्रेडिट कार्ड, उसके सारे ऑप्शन दोस्तों देखिए यहाँ पे ओपन हो के आ चुके हैं। तो दोस्तों मेरा देखिए कार्ड स्टेटस है वो है दोस्तों ओपन, अनलॉक यानी लॉक नहीं है, ओपन है ये। मेरा कार्ड कौन से तरीके का है, वो डोमेस्टिक है, ये भी दोस्तों इनेबल है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से आप इसको अपने मुताबिक यूज कर सकते हो, इन स्टोर पर यूज कर सकते हो, तो जी मैंने ऑन कर रखा है। ऑनलाइन दोस्तों इसका यूज कर सकते हो, जो दोस्तों ये अगर आपको EMI पर कुछ आइटम खरीदना है, तो अगर आप इसे बंद कर दोगे यहाँ से, तो आप EMI पर कुछ भी इसका पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप EMI द्वारा इसका पेमेंट करोगे इसको बंद करने के बाद तो दोस्तों आपका पेमेंट जो है वो डिक्लाइन कर दिया जाएगा, यानी फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप कोई आइटम EMI पर खरीदना चाहते हो, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कार्ड को यहाँ से इनेबल करना होगा, मतलब कार्ड को ऑनलाइन वाले सिस्टम को यहाँ से इनेबल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको EMI पर कोई भी आइटम परचेस करना है, नहीं तो आपका दोस्तों जो कुछ आप खरीदोगे वो डिक्लाइन कर दिया जाएगा जिस एप्लीकेशन से आप खरीदोगे वहाँ से। कॉन्टैक्टलेस आप दोस्तों कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसे डिसेबल कर रखा है। ATM अगर आप ATM से पैसे निकालना चाहते हो, कैश निकालना चाहते हो, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको पहले इसे इनेबल करना पड़ेगा। तो आप अपने मन मुताबिक अपने कार्ड को यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये सारे जो फीचर हैं आप इनमें सिर्फ एक दो की यूज़ करते हो, तो आप उनको ही ओपन कर सकते हो, बाकी सबको डिसेबल कर सकते हो। उससे क्या होगा कि कभी अगर आपका कार्ड कहीं पे गिर जाता है, खो जाता है, तो कोई भी बंदा उसे यूज नहीं कर पाएगा जब तक आप यहाँ से उसे ओपन नहीं कर दोगे तब तक। मान लीजिए अगर आपका ATM कार्ड कहीं पर गिर गया, ये क्रेडिट कार्ड, और आपने ATM वाला फीचर यहाँ से बंद कर रखा है, तो कोई भी उस कार्ड से ATM से पैसे नहीं निकाल सकता जब तक आप अपने मोबाइल में इस फीचर को ऑन नहीं कर देते तब तक। तो ये एक अच्छा फीचर है, आप अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, बट इसके लिए दोस्तों आपको अपना दोस्तों जो FD होती है, FD दोस्तों जो होती है बैंक में, आपको उसको बढ़ाना होगा तब। और आप अपने कार्ड को यहाँ से दोस्तों क्लोज भी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, यानी दोस्तों आप अगर आप चाहते हो कि आपका कार्ड कहीं पर गिर गया, खो गया है, तो आप अपने कार्ड को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, कोई भी कार्ड का कोई दोस्तों यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।